नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लगातार 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं आज रात में हुई तेज बारिश के कारण शहर के सभी नदी नाले उफान पर हैं और नगर की अधिकांश भागों में पानी भरा हुआ है। नगर के कई मुख्य मार्ग भी जलमग्न हैं। नगर पालिका परिषद की तैयारी पूरी तरह फेल रही है। बड़े नाले और नालियां पूरी तरह से चौक होने के कारण सड़कों पर पानी बहता हुआ दिखाई दिया। ईदगाह वार्ड नंबर 21 निवासी सबसे अधिक प्रभावित नजर आए। उनके खाने पीने की चीजें और विस्तार कपड़े आदि पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। आज तक नहीं थी भाई, पानी की समस्या जो इधर पार्क में लोगों ने पानी निकलने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। अभी कोई नगर पालिका कोई आए भी? क्या पानी भरा रहे सब में, घरों में सामान नुकसान हो गया होगा। सामान नुकसान हो गया भाई साहब, इधर पूरे बेचारों की गेहूं वगैरह सब भींज गए। तो नगर पालिका कोई आया अभी तक नहीं? नगर पालिका अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया हमारे पास। तो ये सड़क बनी है, नाली नहीं बनाई? नाली पहले बनी थी तो छोटी नाली बनी, अब सड़क ऊंची हो गई। तो यहाँ आसपास बड़ी गटर नहीं है? नहीं है ही नहीं है भाई। हमने पार्क में मांग करी के ऊपर से पानी की नाला कर दो, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी हमारी सुनता ही नहीं। सब भींग गए, आप जाके खूब देख सकते पूरे भरा रहा और भंसारी 6 बजे से उलीच रहा है और पहले पानी ऐसे कभी निकला। जो सड़क बनने से पानी रुक गया क्या? खाना बन गया तो वहाँ पुलिया रोक गए, तो जो पानी सब जा रहा है बिल्कुल पूरे देखो आप जाके पूरे बिल्कुल ऐसे खड़े पानी पानी भरो बनावे भी जगह नहीं है। इनकी तबीयत ठीक है, उठ तक नहीं पा रहे, कहूँ जा भी नहीं पा रहे, बहुत पानी भरा है घर में। पहले भरता था पानी? पहले नहीं भरता था, जो सड़क बनने से बड़ी दिक्कत आ गई है। तो यहाँ पे बड़ा नाला या नाली नहीं बनाई है? कोई बनी नहीं है नाला नाली। पानी कब से भरा घर में? पानी रात से भरा पूरे घर में। ब्यूरो चीफ विजय विद्रोही की रिपोर्ट।